खदीजा नानी के चेहरे काक्स है ज़ैनब, खदीजा नानी के चेहरे काक्स है ज़ैनब, और अपने नाना की और अपने नाना की और अपने नाना की सीरत जनाब ज़ैनब है और अपने नाना की। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा, सुनो तवज्जो इधर रखना, बिल्कुल तवज्जो पूरी इधर रखना, तवज्जो। नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है, नबी के नूर की बरकत जनाब ज़ैनब है। अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है, अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है, अली के घर की शराफत जनाब ज़ैनब है। खदीजा नानी के चेहरे काक्स है ज़ैनब, खदीजा नानी के चेहरे काक्स है ज़ैनब, और अपने नाना की और अपने नाना की और अपने नाना की सीरत जनाब ज़ैनब है और अपने नाना की। खदीजा नानी के आए हाय हाय सरकार दुआएं। खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब, खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब, खदीजा नानी के चेहरे का अक्स है ज़ैनब, और अपने नाना की और अपने और अपने नाना की सीरत जनाब ज़ैनब है और अपने नाना की सीरत जनाब। अच्छा, ईमानदारी से बताना, दिल लगन लगन अच्छा लगा लगा, अब मुझे भी अच्छा लगा। और आप मतलब वो आधा घंटा ऐसे गुजारा है आपने, जैसे मैं इंसानों के दरमियान कब्रिस्तान में पड़ रहा था भाई, मैं खुद ही परेशान, लेकिन ये तो कहो कि हजरत आ गए और हजरत के कदमों की बरकत से सारा कुछ माशाल्लाह ठीक था। तो अब एक शेर सुनाने जा रहा हूँ, आए हाय हाय सैयदों से मोहब्बत करने वालों, जरा सुन के दिखाना एक शेर आप तक पहुंच रहा हूँ। हसन के आंखों की आए हाय हाय, हसन के आंखों की ठंडक है उनकी प्यारी बहन, कहाँ खोए हो नहीं कहेंगे बोलने के लिए तो नहीं बोलोगे,
आय हाय हाय हसन के आंखों की ठंडक है उनकी प्यारी बहन, हसन के आंखों की ठंडक है उनकी प्यारी बहन, हसन के आंखों की ठंडक है उनकी प्यारी बहन, और अहले बैत की और अहले बैत की और अहले बैत की अजमत जनाबे ज़ैनब है, और अहले बैत की यार कोई नारा तो लगा दो यार, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, अब एक बार कहता हूँ एक बार जरा हाथों को उठा के बोलो या अली, देखो अली का शहजादा बैठा है ना आपकी नजरों के सामने, गवाह बनाओ जितनी ताकत है उतनी ताकत से दोनों हाथों को लहरा के बोलो या अली या अली या अली या अली। किसकी बारगाह में मैं मरकबत आपको सुना रहा हूँ, सैयदा सैयदा जिसने कर्बला में बहुत अहम किरदार अदा किया है, यजीद के दरबार में जब पहुंची है और आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया है उस खुतबे की हैबत का आलम यह था कि अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, हाय 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 हाय, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे दुश्मन से बात करती थी, अली के खुतबे खड़े हो जाओ जाओ, अली के खुतबे अली के खुतबे अली के खुतबे है बद जनाबे ज़ैनब है, अली के खुतबे की नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नहीं लग रहा है कि मैं इस माइक पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो जरा मिलके बोलो, अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है, अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है, अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है, जो अहले मेंबर की और आप सब तवज्जो इधर दे दीजिए तो मैं एक बहुत बड़ा शेर आपको सुना दूं, दिल लग रहा है आपका तो जरा एक बार और कह दे या हुसैन, जिनका लगे वो हाथों को उठा के बोले या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन तेरे लिए रब ने उसको भेजा था, 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 के कर्बला की के कर्बला की के कर्बला की जरूरत जनाबे ज़ैनब है, के करबला जरूरत जनाबे ज़ैनब है कि करबला की जरूरत जनाबे के करबला की जरूरत जनाबे ज़ैनब है, के करबला की जरूरत जनाबे बंद है, बचा कर कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पर बारे इमामत उठा के लाई है, ए इस्लाम झुककर सलाम कर अली की बेटी को तेरी अमानत घर तक बचा के लाई है, वाह वाह वाह, जियो मेरे शेर, ये है अजीतापुर
ये है जीता पूरे अब है जीता। अभी तक क्या था बुंदेलखंड अली के घर की शराफत जनाबे जैनब है। अली के घर की शराफत जनाबे जैनब है। वो करबला में तवज्जो वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह। भाई सुनो वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह। वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह। वो करबला में नजर आई मुर्तुजा की तरह। यजीदियों कयामत जनाबे ज़ैनब है। अरे बाबा यज़ीदियों पे कयामत जनाबे ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह यज़ीदियों पे कयामत जनाबे ज़ैनब है। सुभान अल्लाह सलामत रहिए फैजी साहब सलामत रहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी कह दो सुभान अल्लाह भैया कह दो बाबू एक बार सुभान अल्लाह। हाँ एक तो दिख नहीं रहे हो बोलोगे तो लगेगा कि आप बैठे हो ना। अली के घर की शराफत जनाबे यार बोल दो ना। अली के घर की शराफत जनाबे के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया। के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया। के उनका गम ही बनेगा निजात का जरिया। मेरे लिए मेरी जन्नत जनाबे ज़ैनब है। मेरे लिए मेरी जन्नत जनाबे। एक आले रसूल आपकी नजरों के सामने और ये जिसका कलाम है वो भी एक सैयदजादे का कलाम सुनो। और मक्ते में एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है दूसरे मिसरे में। उस लफ्ज का इस्तेमाल हुजूर गैरे सैयद कर ही नहीं सकता है। गैरे सैयद चाह के भी नहीं कर सकता। क्या अच्छा है मतलब वो लफ्ज सिर्फ सैयदों के हिस्से। अब देखिए मक्ता कैसे लिखा है। सुभान अल्लाह पढ़ दूं इजाजत है सुनना चाहते हैं दिल लग रहा है जरा मिलकर पढ़ो। अली के घर की शराफत जनाबे ज़ैनब है। जो बख्शवाएगी महशर में तेरी नस्लों को। जो 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 बख्शवाएगी महशर में तेरी नस्लों को। 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 वो तेरी फूफी वो तेरी शबाहत जनाबे ज़ैनब है। वो तेरी फूफी कलाम हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब वाला कादरी ख्वाजा का हिंदुस्तान फैज़ाने आला हजरत खानदाने मुस्तफा आमदे औलादे अली जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी।